लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या प्रेगनेंसी में त्वचा पर असर पड़ता है, जाने इस दौरान कैसे रखें स्किन का ख्याल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी महिला की लाइफ में प्रेगनेंसी जर्नी कई बड़े बदलाव लेकर अपने साथ आती है। प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में महिलाओं के शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, जहां एक और महिलाएं नई जिंदगी की इस दुनिया में लाने का अनुभव करती हैं, वहीं दूसरी ओर सेहत और स्किन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके कारण मूड स्विंग, वजन बढ़ना, भूख लगने में बदलाव और स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो स्किन को डैमेज कर सकती है। स्किन पर प्रेगनेंसी का त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला है बेरिकोज और स्पाइडर बेंस। बेरिकोज बेंस बड़ी सूजी हुई नसें होती हैं जो अक्सर पैरों पर दिखाई देती हैं, जबकि स्पाइडर बेंस छोटी लाल या नीले ब्लड वेसल्स होती हैं जो चेहरे और पैरों पर दिखाई देती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में खून की अधिक मात्रा बढ़ने, हार्मोनल परिवर्तन और बढ़ते हुए गर्भाशय के दबाव के कारण होता है। इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए पैरों को ऊपर उठाएं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने और लंबे समय तक खड़े रहने से बचें और नियमित एक्सरसाइज करें। दूसरा है एक्जिमा। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव और इम्यूनिटी सिस्टम में बदलाव के लिए एक्जिमा की समस्या हो सकती है, जो स्किन पर खुजली, रेडनेस और सूजन का कारण बनता है। इसे बचाव के लिए स्किन को मॉइस्चराइजर रखें और जलन पैदा करने वाले पदार्थों से बचें। तीसरा है हाइपर पिगमेंटेशन। इस स्थिति को अक्सर मेलास्मा कहा जाता है, जिसके कारण स्किन पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, खासकर चेहरे पर। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण शरीर में मेलानिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। इस समस्या से बचाव के लिए सनस्क्रीन लगाएं, सही कपड़े पहने और कालेपन को कम करने के लिए धूप में कम निकलें। अगर निकलना ही है तो छाता लेके जाएं। चौथा है त्वचा पर खिंचाव के निशान। प्रेगनेंसी के समय शरीर में भ्रूण के विकास और वजन बढ़ने के कारण स्किन पर लाल, बैंगनी या सफेद रंग की धारियां पड़ने लगती हैं, जो स्किन को तेजी से खींचने के कारण पेट, स्तनों, जांघों या हिप्स पर नजर आती है। स्ट्रेस मास की समस्या को कम करने के लिए आप अपनी स्किन को नियमित रूप से मॉइस्चराइज करें। पांचवा है मुहासे और स्किन टैग। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन तेल उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे मुहासे निकलते हैं, जबकि छोटे सौम्य विकास अक्सर घर्षण वाले क्षेत्र जैसे गर्दन, बगल और स्तनों के नीचे स्किन टैग की समस्या हो सकती है, जो हानि रहित होते हैं। एक्ने की समस्या से राहत पाने के लिए सौम्य क्लिंजर और तेल रहित मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।